18 जून 2023 को टाइटन नाम की सबमरीन, जिसे ओशन गेट नाम की कंपनी ऑपरेट करती है, वो सबमरीन टाइटैनिक शिप के मलबे को एक्सप्लोर करने के लिए कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से अपने एक्सपेडिशन के लिए निकलती तो है, लेकिन ये सबमरीन कभी भी वापस नहीं लौट। और उस टाइम पर इस सबमरीन में बिलियनर्स और बिजनेस टाइकून एक्शन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग, ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश, शिपरेक के एक्सपर्ट पॉल हेनरी और पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद मौजूद थे। तो आखिरकार कैसे इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सबमरीन इतनी आसानी से गायब हो गई? क्या हुआ उन 5 लोगों का और क्या था इस सबमरीन का सिम्पसन कनेक्शन? और आखिरकार क्यों इतनी महंगी सबमरीन को वीडियो गेम कंसोल से ऑपरेट किया जा रहा था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टाइटन पनडुब्बी में विनाशकारी विस्फोट हुआ। Three of that submersible that went down with 5 passengers on Sunday। खबर है कि टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई जो टाइटन पनडुब्बी गायब हुई थी उसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी। 10 अप्रैल 1912 RMS टाइटैनिक, दुनिया का सबसे लग्जूरियस शिप, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक के सफर के लिए निकलता है। पर अप्रैल 4 1912 अपने सफर के 4 दिन के अंदर ही ये जहाज एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से अटलांटिक महासागर में ही डूब जाता है, जिसमें से 1500 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिसके डूबने के बाद कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। कुछ लोगों ने इस जहाज के डूबने की वजह एक श्रापित मम्मी को बताया और कुछ लोगों ने टाइटैनिक के डूबने के पीछे की वजह बताई इसकी पेरेंट कंपनी के ओनर, जिन्होंने जानबूझकर इस जहाज को डुबवा दिया। जिसके बाद इस घटना को देखते हुए साल 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज हुई और इस मूवी की सफलता के बाद टाइटैनिक की घटना पूरी दुनिया में और ज्यादा पॉपुलर हो गई और लोगों में टाइटैनिक शिपरेक को देखने की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। जिसके बाद कई साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और आम लोग भी कई बार इस शिपरेक को देखने के लिए अक्सर जाते रहे। आप लोगों को ये बता दें कि टाइटैनिक शिपरेक एक्चुअली में 1250 फीट डीप है ओशन के अंदर और ये डिस्टेंस तकरीबन 5 बुर्ज खलीफा की हाइट के जितना है। यहाँ तक कि एक स्कूबा डाइवर भी सिर्फ 1090 फीट की जितनी गहराई तक ही जा सकता है और 1250 फीट जितनी गहराई तक जाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप पानी की जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे पानी का प्रेशर उतना ही बढ़ता जाता है। और जिस जगह पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है वहां पर का पानी का प्रेशर ही लगभग 6000 PSI के बराबर है, यानी आपके सिर्फ एक नाखून जितने हिस्से पर पूरा हाथी खड़ा करने जितना प्रेशर। खैर अब हम वापस आते हैं कि इस एक्सीडेंट के दिन एक्चुअली में हुआ क्या था। संडे 18 जून 2023 को 12 बजे के आसपास ओशन गेट की सबमरीन अपने मदरशिप से निकलकर टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने का सफर शुरू करती है और ओशन गेट की इस सबमरीन को टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगता। पर अपने सफर शुरू करने के बाद 1 घंटे 45 मिनट के अंदर ही इस सबमरीन का सिग्नल अपनी मदरशिप से टूट जाता है। हालांकि इतने डीप ओशन के अंदर सिग्नल टूटना एक आम बात, क्योंकि इतनी ज्यादा गहराई में पानी का प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है, इस वजह से सिग्नल की कई समस्याएं भी आ सकती हैं। पर फिर भी मदरशिप में मौजूद क्रू इस सबमरीन के लौटने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस सबमरीन के टोटल एक्सपेडिशन का टाइम 7 घंटे होने वाला था। लेकिन 7 घंटे होने के बावजूद भी ये सबमरीन वापस नहीं लौट, इसलिए मदरशिप में मौजूद क्रू 7 घंटे बाद US कोस्ट गार्ड से मदद मांगते हैं। इस सबमरीन की कंप्लेन रिसीव होने के बाद US कोस्ट गार्ड की टीम इस टाइटन सबमरीन का सर्च ऑपरेशन शुरू करती है सोनार और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। पूरे 48 घंटे ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी टाइटन सबमरीन का कुछ पता नहीं लगता और जितना वक्त बीतता जा रहा था उतना ही टाइटन सबमरीन में मौजूद लोगों के जिंदा वापस आने के चांसेस भी कम हो रहे थे, क्योंकि इस सबमरीन में सिर्फ 4 दिन चलने भर का ही ऑक्सीजन मौजूद था, क्योंकि जिसके बाद अगर ये सबमरीन मिल भी जाती फिर भी ऑक्सीजन की कमी से इसमें मौजूद लोगों की मौत हो जाती। इसलिए एक बार फिर से यूएस
यूएस, कनाडा और फ्रांस ने मिलकर इस सबमरीन का सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद इन टीम्स ने एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस उपकरण पानी में डालकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और जैसे ही रिसर्चर्स को टाइटैनिक के मलबे के पास की फुटेज आरओवी मशीन से मिलती है, सभी लोग हैरान हो जाते, क्योंकि टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 16 फीट की दूरी पर उन्हें टाइटन सबमरीन के कुछ हिस्से मिलते हैं। जिसके बाद रिसर्चर्स को ये तो पता लग जाता है कि ये टाइटन सबमरीन पानी के अंदर ही इम्प्लोड हो चुकी है। हालांकि रिसर्चर्स को ये पूरी तरह से क्लियर नहीं था कि ये इम्प्लोजन एक्चुअली में ज्यादा प्रेशर की वजह से हुआ है या फिर कोई बड़ी मछली या दूसरी चीज इस सबमरीन से जाकर टकरा गई, क्योंकि इस सबमरीन को एक्चुअली में पानी का इतना प्रेशर झेलने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इसलिए इस सबमरीन के डूबने की वजह शायद कुछ और ही थी, या फिर ये पूरा एक्सीडेंट ही प्री प्लान्ड था। क्योंकि भले ये घटना 2023 की हो, लेकिन आज से लगभग 17 साल पहले सिम्पसन कार्टून के एक एपिसोड में ये दिखाया गया कि एक बाप और एक बेटा सबमरीन लेकर शिपरेक देखने के लिए जाते हैं और पानी के अंदर उनकी शिप कहीं अटक जाती है, जिसके बाद उनकी सबमरीन में ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है। और शायद सेम इस जैसी ही सिचुएशन ओशन गेट सबमरीन के साथ भी देखने को मिलती है, जहां पर बाप और बेटे की जोड़ी इस सबमरीन के एक्सपेडिशन में जाते हैं। तो आखिरकार सिम्पसन में इस घटना को प्रेडिक्ट किया गया या फिर सब कुछ पहले ही से प्लान था? ओशन गेट सबमरीन की इस घटना के बाद एक और चीज को हद से ज्यादा स्पॉटलाइट मिली। जी हाँ, लॉजिटेक कंपनी का एक गेम कंट्रोलर, और लोग ये मीम तक डालने लगे कि इस घटना की मेन वजह ये गेम कंट्रोलर है। और तो और लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अजीबो गरीब रिव्यूज इस गेम कंट्रोलर के डालने लगे, क्योंकि उस टाइम पर इस सबमरीन को लॉजिटेक GF710 गेम कंट्रोलर से ही ऑपरेट किया जा रहा था। हालांकि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये गेम कंट्रोलर्स एक्चुअली में सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं, बल्कि सालों से ही इन कंट्रोलर्स को मिलिट्री, मेडटेक और स्पेस जैसे मिशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, हाल ही में ओशन गेट के सीईओ का एक इंटरव्यू वायरल होने लगा, जिसमें ओशन गेट के सीईओ ने ये बताया कि 2019 में ये सबमरीन एक दूसरे बिजनेसमैन कार्ल को एक एक्सपीडिशन के लिए ले गई थी, और उस टाइम भी इस सबमरीन को ओशन गेट के सीईओ ही ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पर जब कार्ल पानी के अंदर, तो कार्ल ने उस टाइम पर इस सबमरीन में से क्रैक्स की आवाज सुनी थी, लेकिन उन्होंने इस आवाज को नजरअंदाज कर दिया था। The first dive, Stockton did himself, and he heard the carbon fiber making cracking sounds. लेकिन रिसर्चर्स के इस इंटरव्यू को सुनने के बाद उनको ये जरूर लगा कि काफी हद तक ये चांसेस हो सकते हैं कि इस सबमरीन में पहले से ही क्रैक्स मौजूद थे, जो कि एक वजह बनी इस सबमरीन के इम्प्लोजन के। तो आपको क्या लगता है, असली वजह क्या थी इस घटना की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।